दोस्तों, आज हम रेडियोग्राफी टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और अभी जो मैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया समझाने जा रहा हूं वो एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 यूडब्ल्यू 51 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। कौन सा? एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 यूडब्ल्यू 51। जैसे हमारा संविधान है जिसमें कैसे क्लोज होता है, मर्डर वाले का ये क्लोज, ए वाले का एक क्लोज, लूटपाट वाले का एक क्लोज, वैसे ही एएसएमई सेक्शन 5 जो है वो एनडीटी करवाता है, वैसे ही एएसएमई सेक्शन 8 जो है उसमें डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 होता है। जनरली हम डिवीजन 1 फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ जगह पे, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं, कितना प्रेशर बॉयलर बना रहे उसके हिसाब से होता है, वहां पे मुझे डेप्थ में पढ़ना नहीं है। लेकिन एएसएमई सेक्शन 8 जो है डिवीजन 1 है वो प्रेशर वेसल का कंस्ट्रक्शन है। किसका है? प्रेशर वेसल का कंस्ट्रक्शन है। उसमें जब हम आरटी करते हैं तो उसका आरटी का एक्सेप्ट किसको करना है? फिल्म जब देखते हैं तो आरटी जब करते हैं आरटी फिल्म हो जाता है, फिल्म के अंदर क्लस्टर पोरोसिटी लेपो फ्यूजन लेपो पेनेट्रेशन टंगस्टन इंक्लूजन स्पैटर क्रैक क्रेटर क्रैक जो भी अलग अलग बहुत सारी होते हैं स्लेग इंक्लूजन, ये सब चीज एक्सेप्ट कैसे करेंगे या रिजेक्ट कैसे करेंगे उसके बारे में ये सेशन अभी हम करने जा रहे हैं। तो अभी हम आरटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया करने जा रहे हैं। तो यू आर रेडी? यस सर। रेडी? यस सर। आप रेडी है? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो अभी हम बात करें? यस सर। तो ये जो बैच है, ये जो बैच है 5 सितंबर 2024 का बैच है, आप देख सकते हैं। ठीक बा, कोई कंप्यूटर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एंटिटी होता है, कोई पैसा लिया जाता नहीं है, किसी से पैसा मांगा? बिहार से कितने हैं लोग? बिहार से कितने हैं? देखो ये सब बिहार से है। यूपी से कितने लोग है? यहाँ पे टोटल 15 स्टेट के लोग आते हैं। कितने लोग के? 15 स्टेट के। कितने स्टेट के? 15। यहाँ पे 15 स्टेट के लोग आते हैं, किसी से एक भी रुपया लिया जाता नहीं है। हाँ, 999 जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है उसमें हम आपको ट्रेनिंग देंगे, रूम फैसिलिटी देंगे और फ्रेशर लोगों का जॉब प्लेसमेंट भी 100% करवाएंगे। तो कोई कंफ्यूजन? अबे 5 सितंबर ये जो बैच है उसमें हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये भी हम YouTube में डालेंगे। आर यू रेडी? तो यूडब्ल्यू 51 रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन फॉर वेल्ड जॉइंट, किसकी बात है? तो उसमें सबसे पहला लाइन लिखा है वो डिस्कस करते हैं। ऑल वेल्डेड जॉइंट टू बी रेडियोग्राफ शेल बी, जब कोई भी इंग्लिश लाइन के अंदर शेल वर्ड आता है, शेल बी वर्ड आता है, मस्ट वर्ड आता है, इसका मतलब ये क्या है? ऑर्डर। ये क्या है? ऑर्डर। करना ही है आपको, आपको करना ही है। जब कोई भी इंग्लिश लाइन के अंदर शुड वर्ड आएगा, शुड बी वर्ड आएगा, मे वर्ड आएगा, मे बी वर्ड आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ है? ये सजेशन है। ये क्या है? सजेशन। करना है तो करो वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप पबजी खेल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पबजी खेल रहे हैं, आपकी मम्मी ने या मॉम ने बोला बाबू दूध का बोतल लेके आ बाहर के किराना की दुकान से, तो आप अभी बाबू तुमको बोल रहे हैं जा लेके आओ, अब भी आप हिलेंगे नहीं, और तीसरी बार भी बोले शायद बाबू तुमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप नहीं जाएंगे, तो बिचारी क्या करेगी? खुद वो लेके आएगी। तो ये जो हो गया वो शुड शुड बी मे एंड मे बी वाला हो गया। लेकिन वही जगह पे आप पबजी खेल रहे हैं या तो कुछ एक्स वाई जेड कुछ काम कर रहे हैं और आपके फादर बोल रहे हैं बाबू जाओ किराना की दुकान से क्या लेके आओ? दूध लेके आओ। और आप नहीं उठे, दूसरी बात बोले बाबू समझ में नहीं आ रहा है, बोते आ गए हो का गुड़बक ऐसा कुछ बोलेंगे और आप नहीं गए तो शायद क्या आएगा? तो ये है फादर। क्या हो गए? फादर। वो आपको पेलेंगे, ये आपको अगर ये चीज नहीं किया तो आपको क्या करेंगे? समझ में आया कि नहीं है?
तो ये शेल बी एंड मस्ट का वर्ड तो समझ में आ गया, ये ऑर्डर है, करना ही है, अगर नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। और शायद मदर हमको पनिशमेंट देगी नहीं, वो खुद बिचारी क्या करेगी, लेके आएगी। तो अभी यहाँ पे आगे बात करते हैं, ऑल वेल जॉइन टू बी रेडियोग्राम एंड शेल बी एग्जामाइंड विद अकॉर्डेंस विद एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 2। एएसएमई सेक्शन 5 नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के लिए है, किसके लिए है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। एएसएमई सेक्शन 5 इतना बड़ा है इतना बड़ा, उसमें हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 ऐसा बोलते हैं ना, यहाँ पे आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 4 आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 आर्टिकल 7 ऐसे आर्टिकल, टोटल 33 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है उसमें? आर्टिकल 1 जो है एएसएमई सेक्शन 5 का जनरल रिक्वायरमेंट है, आर्टिकल 2 है वो रेडियोग्राफी टेस्ट के लिए, किसके लिए है? आर्टिकल 4 है अल्ट्रासोनिक टेस्ट फॉर बेस मेटल, आर्टिकल 5 है अल्ट्रासोनिक टेस्ट फॉर बेस मेटल, आर्टिकल 6 जोर से बोलो सिखाया है ना भाई, वरना यहाँ से मैं क्या करेगा। ओके, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 एडिकरण टेस्ट, आर्टिकल 9 विजुअल टेस्ट, आर्टिकल 10 लिप टेस्ट, ऐसे टोटल कितने आर्टिकल है? 33 आर्टिकल है। इसमें से आर्टिकल 2 के हिसाब से ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, अगर आप आरटी करते हो तो आपको किसके हिसाब से करना है? आर्टिकल 2 के हिसाब से। और आरटी कैसे करना मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, है ना, कितना डिस्टेंस रखना है फिल्म का, कितना लेंथ रखना है, कितना एक्सपोजर टाइम होना चाहिए, फिल्म को कैसे धोया जाता है, कितने बात आते हैं फिल्म के, कितने बात, पहला बात, दूसरा बात, तीसरा बात, चौथा बात, ये सब समझाया। आरटी फिल्म को सुखाना कैसे है वो भी मैंने ऑलरेडी समझा दिया, समझाया कि नहीं समझाया? ओके, चलो ये सब हो गया, उसके बाद आप आरटी फिल्म जॉइन देख रहे हैं, तो सबसे पहले आरटी फिल्म विद आरटी, उसके बाद आरटी फिल्म और जो रिपोर्ट है उसका नंबरिंग, उसके बाद डेंसिटी चेक करना है, एक्सरे है तो 1.8 से लेके 4, गामा है तो 2 से 4, उसके बीच में डेंसिटी आना चाहिए, और मिनिमम विजिबल वायर सेंसिटिविटी वो भी देखना है, और उसका -15% +30% करना है, ये सब ऑलरेडी हमने सीखा। लेकिन अभी हम जॉइंट के ऊपर एंट्री करते हैं, टर्म्स एंड इंक्लूजन कैसे दिखेगा? लेक ऑफ पेनेट्रेशन, लैक लाइन दिखेगा, सेंटर में शायद हो सकता है, राइट, पोरोसिटी ब्लैक दिखेगा, समझाया, और स्लेट लाइट ब्लैक होने का, याद है कि नहीं है? ये सब चीज समझा दिया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियोग्राफी टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, तो रेडी है? फोकस करेंगे? कोई कंफ्यूजन? आरटी फिल्म बनाने में कोई कंफ्यूजन? अभी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया स्टार्ट करते हैं, आप खाली मेरे साथ में रहिए, ठीक है? सबसे पहले यहाँ लाइन लिखा, कोई भी वेल जॉइंट का आरटी करना है तो एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 2 से करना है, एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 2 से। लेकिन आर्टिकल 2 एक्सेप्ट रिजेक्ट बोलता नहीं है, एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन कोड में जाना पड़ता है, तो अगर प्रेशर वेसल में कर रहे हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन कोड है एएसएमई सेक्शन 8 रिवीजन 1। तो सबसे पहला रूल्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, आरटी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, सबसे पहला रूल, एनी इंडिकेशन कैरेक्टराइज्ड एज अ क्रैक, लैक ऑफ फ्यूजन एंड लैक ऑफ पेनेट्रेशन रिजेक्ट, नॉट एक्सेप्ट। क्या बोलना है? सबसे पहले क्रैक आया, लैक ऑफ फ्यूजन आया या लैक ऑफ पेनेट्रेशन आया, लेंथ विद गया तेल लेने, सीधा उसको क्या करना है? रिजेक्ट कर देना। समझ में आ गया? पानी की तरह साफ है, लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनेट्रेशन एंड क्रैक, रिजेक्ट। एक ही एमएम है ना, चलेगा ना? कुछ चलेगा नहीं, कुछ भी चलेगा नहीं, ना 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 ना, ओ चश्मे वाले भाई साहब, समझ आया? फिर से क्रैक, लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनेट्रेशन, रिजेक्ट। कोई कंफ्यूजन दूसरे पे जाए? यस सर। दूसरा रूल, तो आपको खाली आरटी फिल्म में क्या खाली लैक ऑफ फ्यूजन ही आएगा, लैक ऑफ पेनेट्रेशन ही आएगा,
स्लेग इंक्लूजन नहीं आएगा, डंपस्टर इंक्लूजन नहीं आएगा, तो ये सब लोग मां के लाडले लोग नहीं आएंगे। और टंगस्टन इंक्लूजन कैसे आता वो मैंने दिखाया GTW का प्रैक्टिकल यहाँ वेल्डिंग दिखा के, SMW में भी स्लैग इंक्लूजन कैसे आएगा मैंने दिखाया। तो अगर दूसरा रूल्स एनी एलोंगेटेड इंडिकेशन, ऐसा कोई एलोंगेटेड इंडिकेशन आएगा जैसे स्लैग इंक्लूजन, टंगस्टन इंक्लूजन, कोपर इंक्लूजन, ऐसे कोई मां के लाडले लोग आए तो उसका आपको लेंथ देखना है। क्या देखना है? तो देखो यहाँ पे तीन कैटेगरी है, कितना ऑप्शन है? तीन। आपको मटेरियल का थिकनेस देखना है पहले। क्या देखना है? अगर मटेरियल का थिकनेस अप टू 19 mm है, कितना mm है? तो 6 mm तक स्लेब को एक्सेप्ट कर लेना है, 6 से बड़ा है तो रिजेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये जॉइंट है 18 mm का, कितना mm है? 18 mm का जॉइंट है। यहां पे समझ लो आपने ऐसे ऐसे करके वेल्डिंग मारा, ठीक है, ऐसे वेल्डिंग मारा, कोई इंक्लूजन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे करके आया, ठीक है, ऐसा समझ लो। और आरटी फिल्म में आपने देखा कि ये तो स्लेग है या ये टंगस्टन इंक्लूजन है या कोपर इंक्लूजन है, ऐसे एलोकेटेड इंडिकेशन है। तो आपको पहले मटेरियल का थिकनेस देखना है, कितना एमएम है मटेरियल थिकनेस? 18 mm। कहां पे दिखेगा? आरटी फिल्म रिपोर्ट में, आरटी का रिपोर्ट होता है ना, उसमें होगा ना, क्योंकि आरटी फिल्म विद आरटी रिपोर्ट आपने ही बोला है। तो आरटी फिल्म जब आप देखेंगे तो आपका आरटी का रिपोर्ट देखना पड़ेगा। आरटी का रिपोर्ट जैसे ही देखा आपको पता चला 18 mm का मटेरियल है, तो मटेरियल 18 mm किस में आएगा? अप टू 19 mm, मतलब 18 mm यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको स्लेग इंक्लूजन मेजर करना है। क्या करना है? स्लेग इंक्लूजन आया वो मेजर करना है। अगर वो 6 mm से ज्यादा है तो रिजेक्ट, 6 mm या 6 mm से कम है तो एक्सेप्ट। पानी की तरह कितना साफ है, देखो पेनेट्रेंट टेस्ट एंड मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मैंने समझाया था और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहां पे उसके जैसा क्राइटेरिया नहीं है। वहां पे तो क्या था कि लीनियर इंडिकेशन था और राउंडेड इंडिकेशन, तो रूल्स देखने थे। लीनियर इंडिकेशन में 1.5 से अबव अगर लीनियर इंडिकेशन है तो रिजेक्ट कर देना था, राउंडेड इंडिकेशन 5 mm से अबव था तो रिजेक्ट कर देना था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्रैक का लेंथ फील्ड टेल देने, क्रैक लेको फ्यूजन एंड लेको देख के उसको क्या करना है? कर देना है। समझ आया कि नहीं आया? ओके, लेकिन ऐसा थोड़ी है तीन ही लोग आएंगे, स्लेग इंक्लूजन भी आ सकता है, टंगस्टन इंक्लूजन आ सकता है, कॉपर इंक्लूजन आ सकता है। तो मटेरियल का थिकनेस देखना है। क्या देखना है? अगर मटेरियल का थिकनेस अप टू 19 mm है तो आपको वो एक्सेप्ट है 6 mm तक। कितने mm तक? 6 mm। लेकिन ऐसा जरूरी है क्या 18 mm होता है? मटेरियल का थिकनेस समझ लो 25 mm है, कितना है? 25 mm। कितना है? 25 mm। तो मटेरियल का थिकनेस 25 mm, तो 1957 के बीच में हुआ, ये 25 mm इसी के बीच में आता है ना? कि नहीं आता है? आता है। तो आपको T/3 तक एक्सेप्ट करना है। कितना तक? T/3। मैं एक एग्जांपल देता हूं, समझ लो ये वेल जॉइंट है, मेरे साथ में रहिएगा। देखो यहाँ पे ऐसे करके वेल्डिंग मारा, समझ लो ऐसे ही वेल्डिंग होगा। यहाँ पे कोई कांड है, यहाँ पे आरटी फिल्म है, यहाँ पे कोई मटेरियल में कोई कांड आया। ये जो मटेरियल का थिकनेस है वो 30 mm है, समझ लो कितना है? 30 mm। कितना है भाई? 30 mm। तो 30 mm मटेरियल का थिकनेस किस में जाएगा? 1957 के बीच में आएगा 30 mm। तो आपको T/3 तक एक्सेप्ट करना है। कितना था? तो 1/3 × T कितना है? 30 mm। तो ये कितना हो गया? तो 10 mm तक एक्सेप्ट करना है, 10 mm से बड़ा है तो रिजेक्ट करना है। पानी की तरह साफ है, पानी की तरह साफ है, नहीं समझे? चलिए अभी मैं मेरे को एक एग्जांपल में देता हूँ। 42 mm थिकनेस है, कितना है? 42 mm। मटेरियल का थिकनेस कितना है? 42 mm। उसमें कोई कांड मिला, मतलब कोई मटेरियल में प्रॉब्लम मिला, मटेरियल का थिकनेस 42 mm है, तो कोई बोलेगा कितने mm तक एक्सेप्ट है? आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद अख्तर। मोहम्मद भाई क्या करेंगे? 42 तो 6 mm तक एक्सेप्ट करें क्या?
हैं कर ले। एक आदमी मिल गया भाई, पहले ये देखो 42 mm थिकनेस किस में आता है, 1957 के बीच में आता है कि नहीं आता है, तो कितने mm तक एक्सेप्ट करना है, 3/3 तक, तो 1/3 × 42, तो 1/3 × 42 ये कितना होगा, ये 14 mm हुआ, कितना mm हुआ, तो यहाँ पे आपने मेजर किया वो 11 mm है, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, जय दत्तर भाई, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है, क्यों एक्सेप्ट है, 14 mm के अंदर है, 14 mm से छोटा है, लेकिन आप क्या करेंगे, 6 mm वाला है फेल दो, ऐसा थोड़ी होगा, मटेरियल थिकनेस के हिसाब से आपको एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है, किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, ओ भाई गुजराती भाई साहब, मटेरियल थिकनेस के हिसाब से, एक और एग्जांपल हो जाए कि ना होवे, एक और एग्जांपल हम दे देते हैं, 42 की जगह 42 की जगह 14 mm है, चलो एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, कोई बोलेगा, चलिए भाई आप खड़े हो जाइए, 14 mm मटेरियल का थिकनेस है, 11 mm का एलोंगेटेड इंडिकेशन है, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है तो क्यों एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है तो तू क्यों रिजेक्ट है, मेरे को दोनों आंसर चाहिए, भावेश भाई खड़े हो जाओ, रिजेक्ट है, रिजेक्ट है, क्यों रिजेक्ट है, 6 mm से कम होना चाहिए, क्यों, उसका क्योंकि उसकी थिकनेस 19 mm से, थिकनेस कितना है, 14, तो 14 mm किस में आएगा, तो कितने mm तक एक्सेप्ट है, कितना आया है, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, क्या है, रिजेक्ट, क्या है, रिजेक्ट, समझ रहे हो, यस सर, समझ रहे हो, यस सर, बैठ जाओ, और एक लास्ट एग्जांपल दे देते हैं, ध्यान से देखिएगा ये बंदे को, ओए क्या हुआ, समझ लो ऐसा वेल्डिंग किया, ऐसा करके कोई क्रैक आया, क्या आया, क्रैक, क्या आया, क्रैक, समझ लो ये क्रैक है, समझ लो क्रैक आया है, मटेरियल का थिकनेस जो है, और ये जो क्रैक है 8 mm का है, कितने mm का है, 8 mm का है, मटेरियल का थिकनेस है 12 mm, ओके थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, 4 mm का क्रैक है, ओके चलिए भाई आप खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका, संजीत, कहाँ से है आप, बिहार से है का, ओके तो ये बोलिए क्या करेंगे इसको, क्योंकि आप पहला है ना, क्रैक लेको फ्यूजन लेको पेनेट्रेशन, उसका लेंथ विड्थ गया, मटेरियल थिकनेस गया, सीधा क्या कर लेना है, लेकिन कुछ लोग गलती क्या है, 12 mm, ऐसा होता नहीं है, नहीं है, अभी चलिए थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्रैक नहीं है भाई, ये तो स्लेग है, क्या है, अब क्या करेंगे, चलो बैठो बैठो बैठो, आप नहीं, अभी किसी और को खेल दू, चश्मे वाले भाई साहब, आपको एक बार नंबर लग गया ना, नहीं लगा, चलो बोलो, अरे मेरे को भाई सुनाई दिया पीछे, एक्सेप्ट है, क्यों एक्सेप्ट है, बारह एमएम थिकनेस है, 12 mm थिकनेस किस में आएगा, कितने एमएम तक एक्सेप्ट है, कितना एमएम का स्लैग है, तो ये एक्सेप्ट हो गया कि नहीं हो गया, पानी की तरह, पानी की तरह, गुड वेरी गुड, बैठो देखो, अगर सबसे पहला काम है क्रैक लेको फ्यूजन लेको पेनेट्रेशन, ये तीन में से कोई भी आया
कर देना, दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिजेक्ट कर देना। आगे बढ़ना, अगर कोई स्लेव इंक्लूजन या तो एलोंगेटेड इंडिकेशन आया, एलोंगेटेड इंडिकेशन आया, तो आपको मटेरियल का क्या देखना पड़ेगा, थिकनेस देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, मटेरियल का थिकनेस देखना पड़ेगा। और मटेरियल का थिकनेस अगर अप टू 19 mm है तो 6 mm तक एक्सेप्ट है, कितना mm तक, 6 mm। अगर मटेरियल का थिकनेस 19 से 57 है तो t/3 तक एक्सेप्ट है, कितना है, t/3, कितना है, t/3, कितना है, t/3, कितना है, t/3, t/3 तक एक्सेप्ट है। अगर मटेरियल का थिकनेस 57 से ज्यादा आया तो फिर 19 mm तक एक्सेप्ट है, कितना mm तक, 19 mm। अभी और ट्विस्ट करते हैं कहानी को, ये मेरा एक जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे वेल्डिंग मारा है, क्या मारा है, वेल्डिंग। यहाँ पे कोई एक टंगस्टन इंक्लूजन है समझ लो, और वो टंगस्टन इंक्लूजन का जब लेंथ देखा तो 18 mm आया है, कितना mm आया है, मटेरियल का थिकनेस है 60 mm है, कितना mm है, 60 mm। तो एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, क्यों एक्सेप्ट है, ऐसे थोड़ी एक आदमी मिल गया है दूसरा, हाँ भाई पीछे सुनाई दिया टोपी वाले भाई साहब, मटेरियल का थिकनेस 60 mm, ओके सी में आएगा, तो किस में आएगा, इसमें आएगा, सी में आएगा, 19 mm तक एक्सेप्ट है, 18 mm दिया है, पानी की तरह साफ है। देखो बहुत डेंजर आंसर दिया एकदम क्लियर कट बोले, 60 mm मटेरियल का थिकनेस है तो 57 से डेफिनेटली ज्यादा थिकनेस है मटेरियल का, तो ये कितने mm तक एक्सेप्ट, 19 mm तक एक्सेप्ट है, यहाँ पे आया है 18 mm, तो बाबू इसको हमको क्या कर देना है, कह देना है कि जाने देना है, जाने एक्सेप्ट कर लेना है, क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, क्या कर लेना है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, क्या करते हैं, 60 mm की जगह 33 mm का थिकनेस है, चलो रिजेक्ट है तो क्यों रिजेक्ट है, एंड एक्सेप्ट है तो क्यों एक्सेप्ट है, चलो भाई बोलो आप, हाँ आप ही रीडर है ना ग्रुप, एक्सेप्ट क्यों है भाई, रिजेक्ट है, क्यों रिजेक्ट है, अभी तो इसका रूल्स है 1/3 × t कितना है 33, तो ये कितना हो गया 11 mm तक एक्सेप्ट है, यहाँ पे कितना आया है, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, रिजेक्ट है, पानी की तरह साफ है, पानी की तरह साफ है, कोई कंफ्यूजन, ट्विस्ट करेगा, चलिए ये तीनों क्राइटेरिया समझ में आ गए आपको, देखा ये तीनों ऑप्शन, सबसे पहले हम देखे लेको फ्यूजन, लेको पेनेट्रेशन एंड क्रैक, रिजेक्ट, कोई लेंथ वेट का तेल लेने गया सब, उसके बाद एलोकेटेड इंडिकेशन है तो मटेरियल का थिकनेस देखना है अप टू 19 mm 6 mm तक एक्सेप्ट, 19 से 57 में t/3 तक एक्सेप्ट, 57 से ज्यादा है तो 19 mm तक एक्सेप्ट, ये बात क्लियर हो गया। अभी अभी मैं ट्विस्ट करता हूं, क्या करता हूं, ट्विस्ट, छोड़ेंगे क्या, जब तक आएगा नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे, देखिए चांद देख ये जॉइंट, एक जो थिकनेस है 3 mm, यहां पे ये रेनफोर्समेंट है, ये क्या है, रेनफोर्समेंट 3 mm, ये रेनफोर्समेंट डाल रहा हूं मैं, क्या डाल रहा हूं, रेनफोर्समेंट, नीचे आरटी का फिल्म है, ठीक है, ये जो मटेरियल का थिकनेस है 18 mm है, कितना है, कितना है, 18 mm है, और यहां पे कांड हमको मिला है, ये एलोंगेटेड इंडिकेशन मिला है, उसका लेंथ मुझे मिला है करीबन 6 mm है, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है,
सोचो सोचो, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है? देखो एक्सेप्ट है, कितने लोग एक्सेप्ट के सापेक्ष में है, एक्सेप्ट के साथ है, कितने लोग रिजेक्ट के साथ है? ठीक है, अरे यार 150 लोग है भाई, कितने लोग हैं? 150। लेकिन 80 लोगों ने एक्सेप्ट में हाथ उठाया और बाकी के 2-3 लोगों ने रिजेक्ट में, तो बाकी के लोग कहाँ गए भाई? वो दही दूध में हो गए, कहाँ है? दूध बात हो गए, ठीक बात। देखिए पानी की तरह साफ समझाता हूँ, मटेरियल थिकनेस कितना है? 18 एमएम है, तो यहाँ पे जाने का मटेरियल थिकनेस कितना है? कितने एमएम तक एक्सेप्ट है? तो ये कितना एमएम आया? तो क्या हो गया यहाँ पे सर? रेडबर्ग में 3 एमएम, नीचे भी 3 एमएम, तो 18 प्लस 3 प्लस 3 ये कितना हो गया? 24 हो गया। तो ये 24 है, मैं इसमें ऐसा करने का नहीं, रेनफोर्समेंट लेने का नहीं, इसके लिए जो थिकनेस ले रहे हो एक्सक्लूडिंग द अलाउबल रेनफोर्समेंट है, इसको लेने का नहीं। समझ में आया? मटेरियल बेस मेटल थिकनेस ही आपको देखना है। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आ गया? सर रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने का, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्यूएक्यूसी के वीडियो में उन लोगों को समझा दिया है कि कितना मटेरियल थिकनेस में कितना रेनफोर्समेंट होना चाहिए। पाइप में भी समझाया है कि अगर अप टू 6 एमएम तक का थिकनेस है मटेरियल का पाइप, तो 1.5 एमएम तक रेनफोर्समेंट रूट में या फाइनल में होना चाहिए। अगर 6 से 13 एमएम है तो 3 एमएम होना चाहिए रेनफोर्समेंट ऊपर और नीचे, 13 एमएम से 20 एमएम तक है तो 4 एमएम तक रेनफोर्समेंट होना चाहिए, और 20 या 25 से ज्यादा है तो 6 एमएम मैक्सिमम रेनफोर्समेंट ऊपर और नीचे होना चाहिए। ये ऑलरेडी B31.3 में भी मैंने समझाया है, और ए सेमी सेक्शन 8 डिवीजन 1 में UW 33-34 में भी मैंने क्लियर समझाया है। तो इसमें कंफ्यूज होने का नहीं, रेनफोर्समेंट है क्या। रेनफोर्समेंट का मतलब ये होता है जब वेल्डिंग मारते हो तो वेल्डिंग मारने के ऊपर थोड़ा वेल्डिंग रहता है, उसको क्या बोलते हैं? रेनफोर्समेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनफोर्समेंट। क्या बोलते हैं? रेनफोर्समेंट। तो आगे बढ़े। यस सर। तो ये टी का क्लियर हो गया, अभी और थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, छोड़ेंगे कहा? ये जो है इसको दूसरा कलर लेते हैं, ये जो है उसका थिकनेस है 18 एमएम, ये जो है उसका थिकनेस है 24 एमएम। यहाँ पे कोई कांड मिला है समझ लो, और वो जो कांड यहाँ पे दिखा है उसका आपने लेंथ और विड्थ चेक किया है कि नहीं? तो वो मिला है 6.5 एमएम, मिला कितना मिला है? तो एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है? तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ये है रिजेक्ट, लेकिन सिंपल बात समझाता हूँ। जब एक मटेरियल छोटा, एक मटेरियल बड़ा, दो डिसिमिलर थिकनेस मटेरियल का जब आप वेल्डिंग मारते हैं, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और टाइम छोटे मटेरियल के हिसाब से आपको देखना है। लेकिन 24 एमएम यहाँ पे है तो 24 डिवाइड बाय 3 करोगे तो कितना आ गया? 8 हो गया। ये कितना है? 6.5 एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि 18 एमएम किस में पड़ता है? यहाँ पे तो कितने एमएम तक एक्सेप्ट है? तो ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। समझ में आ गया? दो कहानी समझ में आ गया? पानी की तरह क्लियर है ये? साफ है? सबसे पहले क्रैक, देखो फ्यूजन, देखो पेनिट्रेशन, देख के उसको क्या करना, बड़ी मां को निकालना है। केजीएफ का केजीएफ देखा है? एक छोटा सा इतना सा गोल्ड लेके आया रॉकी भाई, आ जाते हैं। अरे आप तो बोल रहे थे फील्ड में चेक करने का, अरे माँ के यही फील्ड है का?
ऐसा करेगा दाड़ करेगा दाड़ 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 पूरा पुलिस स्टेशन क्या कर देता उड़ा देता। तो आपको यहाँ पे भी क्या कर देना है उसको क्या करना है उड़ा देना है। समझ में आ गया नहीं आ गया? और एलोंगेटेड इंडिकेशन का भी रूल समझ में आ गया? ट्विस्ट करते हैं, क्या करते हैं? तीसरे रूल्स में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? किसमें पढ़ते हैं? तीसरा रूल्स का मैं थोड़ा आपको बना देता हूं ग्राफ ताकि आप कंफ्यूज ना हो सांस कहां से ले। ये वेल जॉइंट का आरटी का फिल्म ऐसा ही दिखेगा आपको है? कैसा नहीं दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा ना, ये थोड़ा बड़ा बना दो ठीक है, ऐसा दिखेगा। ये एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। अभी यहाँ पे एक कोई कान मिला ऐसा कुछ है समझ लो ठीक है, नहीं करते है ना। सभी का मैं लेंथ और विड्थ लिखूं आपको कोई प्रॉब्लम है? ये एक नंबर का इंडिकेशन, ये दो नंबर का इंडिकेशन, ये तीन नंबर का इंडिकेशन, ये चार नंबर, ये पांच नंबर, ये छह नंबर, टोटल एक ही फिल्म में ऐसा हो सकता है ना बहुत सारे इंडिकेशन आए। सभी का लेंथ और विड्थ लिख लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसका लेंथ यहाँ पे, इसका विड्थ यहाँ पे, इसका लेंथ यहाँ पे, इसका विड्थ यहाँ पे, इसका लेंथ यहाँ पे, इसका विड्थ यहाँ पे, इसका लेंथ यहाँ पे, विड्थ यहाँ पे, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अभी मैं उसका लेंथ और विड्थ लिख लेता हूँ। इसका लेंथ आया 3 mm, विड्थ 0.5, इसका लेंथ आया 4, विड्थ 8। देखिए लेंथ और विड्थ मैंने लिखा है ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ये मटेरियल का थिकनेस जो है, मटेरियल थिकनेस यहां लिखूं, मटेरियल थिकनेस समझ लो 26 mm है। कितना है? 26 mm। कितना है? 26 mm। मैंने सबका लेंथ और विड्थ लिख लिया है। देखा जाए तो 26 mm किसमें आएगा? किसमें आएगा? तो 26 डिवाइड बाय 1/3 इनटू 26 इज इक्वल टू कितना होगा? 8.666 जो भी है ऐसा कुछ होगा, मतलब 8 mm तक एक्सेप्ट होगा। सभी इंडिकेशन 8 mm से छोटे है कि नहीं है? ये देखा जाए तो सभी एक्सेप्ट है कि नहीं है? ये सभी एलोंगेटेड है समझ लो। तो पहला रूल था क्रैक लेको फ्यूजन लेको पेनेट्रेशन का, दूसरा रूल था एलोंगेटेड इंडिकेशन अप टू 19 mm, 6 mm तक, 19 से 57 mm टू 1/3 इनटू टी तक, 57 से अबव है तो 19 mm। लेकिन एनी ग्रुप ऑफ अलाइन इंडिकेशन, अलाइन इंडिकेशन का मतलब चार या चार से ज्यादा इंडिकेशन एक लाइन में आएगा, तो ये जो है ये एक लाइन में है कि नहीं है? कितने इंडिकेशन आए? चार या चार से ज्यादा। फिर से यहां पे मुट नहीं करेगा, समझा कि नहीं समझे? फिर से चार या चार से ज्यादा इंडिकेशन, इसको अलाइन इंडिकेशन, एक लाइन में है, एक लाइन में है तो उसको अलाइन इंडिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अगर चार या चार से ज्यादा इंडिकेशन आया एक लाइन में आया तो सभी इंडिकेशन का समेशन करना है। लेंथ का क्या करना है? समेशन करना है। तो ये देखो 3+4+5+6+3+4 कितना आएगा? 25 आया ना,
देख लो, भरोसा नहीं है तो गिन लेने का, ठीक है? चार पाँच छह सात सात पच्चीस, समझ में आया? तो सभी इंडिकेशन का हमें क्या किया है, समेशन किया है। देखा जाए तो यहाँ पे रूल्स के हिसाब से 26 एमएम है तो 8 से एमएम से बड़ा है इंडिकेशन है तो ही रिजेक्ट है। देखा जाए तो सब लोग 8 से छोटे हैं, 8 से छोटे हैं तो ये देखा जाए तो एक्सेप्ट है ना। लेकिन नहीं, अगर अलाइन इंडिकेशन आया ना तो आपको तीसरे लाइन में जाना है, तीसरे कंडीशन में जाना है। और तीसरा कंडीशन बहुत भारी भरकम कंडीशन है, आपको कंफ्यूज करवा देने वाली कंडीशन है। मैं बोला ना जनवरी एक ही बैच ऐसा है कि 12 का 12 पेज क्लियर कर दिया, 5 जनवरी 2024 का बैच ही है कैसा था जिसने 12 का 12 पेज क्लियर किया। तो आप चाहते हैं हमारे साथ 12 का 12 पेज क्लियर करें? yes, अगर नहीं करें मुझे 5 लोग भी मिले ना मैं वहां रुक जाएगा। कितने लोग मिले? 5। क्योंकि ये बहुत आपका दिमाग का भी टेस्टिंग होगा। पहली कंडीशन समझ लिया, क्रैक लेको ब्यूजर लेको पेनेट्रेशन। दूसरी कंडीशन एलोकेटेड इंडिकेशन में मटेरियल थिकनेस देखना था, 19 एमएम तक होता है तो 6 एमएम तक, 1957 है तो टी बाई 3 तक, या फिर 57 से ज्यादा है तो 19 एमएम तक, उसमें टी है रेइनफोर्समेंट लेना नहीं है। और उसके बाद जो बड़ा और छोटा दो लेते हैं तो उसमें जो छोटा पार्ट का थिकनेस लेना है। तीसरा कंडीशन एनी ग्रुप इंडिकेशन है, बहुत सारे ग्रुप में इंडिकेशन आए ऐसा बहुत बार होगा और एक लाइन में होंगे तब आपको ये तीसरी कंडीशन फॉलो करना, सभी का समेशन करना। क्या करना है? अगर मटेरियल थिकनेस से ज्यादा हुआ ये समेशन तो ये रिजेक्ट। मटेरियल थिकनेस से अगर वो समेशन ज्यादा हुआ तो रिजेक्ट। समझ लो टेम्पररी, समझ लो ये 26 ये 20 एमएम थिकनेस है, कितना है 20 एमएम, फॉर एग्जांपल 20 एमएम थिकनेस है तो समेशन किया तो कितना आया 25, कितना आया 25, कितना आया 25, कितना आया 25। तो ये 20 मटेरियल थिकनेस कितना है 20 एमएम, मटेरियल थिकनेस कितना है 20 एमएम, तो 20 से ज्यादा आया यस सर। क्या कर देना है? Yes, क्या कर देना है? Yes, और ये जो लेंथ लेंगे वो 12 टी का लेंगे, कितना लेंगे 12 इंटू टी, और टी जो है वो थिकनेस होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? टी जो है वो मटेरियल थिकनेस होगा, क्या होगा मतलब आर्ट इन फिल्म, ऐसा समझ लो 12 टी का ही ऐसा समझ लो, ठीक है? तो अगर सबका समेशन किया और वो समेशन मटेरियल थिकनेस से ज्यादा आया, भले ही वो इंडिविजुअली एक्सेप्ट है, अगर 20 डिवाइड बाय 3 करेंगे क्या करेंगे 20 डिवाइड बाय कितना आएगा 6.3333 ऐसा कुछ आएगा। तो 6 एमएम से तो वैसे भी 6 एमएम से क्या है ये सब लोग छोटे ही है, तो देखा जाए तो सभी लोग एक्सेप्ट ही है, 20 एमएम भी सब लोग एक्सेप्ट है। लेकिन एलोकेटेड अलाइन इंडिकेशन है तो सबका समेशन करना है और वो समेशन मटेरियल थिकनेस से अगर ज्यादा गया तो ही रिजेक्ट, ज्यादा गया तो रिजेक्ट। तो अभी ये क्या हो गया ये रिजेक्ट हो गया, क्या हो गया सभी जॉइंट आपको क्या करने पड़ेंगे, मतलब जितने भी ये जॉइंट तो एक ही है वो जॉइंट पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा रिपेयर करना पड़ेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई हमारा मटेरियल थिकनेस 20 ना हो, चलो 26 है, कितना है 26, तो समेशन कितना आया 25, मटेरियल थिकनेस से कम आया yes, तो और थोड़ा ट्विस्ट है, छोड़ना नहीं है इसको, फैलना तो है ही, छोड़ना नहीं है। और मैं आपको एग्जांपल देते हूं, देखिए एनी ऑफ ग्रुप अलाइन इंडिकेशन दैट हैव एग्रीगेट लेंथ ग्रेटर देन टी देन रिजेक्ट।
और वो जो लेंथ है वो 20 के अंदर होगा एक्सेप्ट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव परफेक्शन 6L जिसमें L है सबसे लंबा इंडिकेशन है। ये ब्ला 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 बहुत सारा चीज लिखा है लेकिन मैं अभी पानी की तरह साफ समझाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखिए यहां पे ये दो है ना इसके बीच में आपको डिस्टेंस देखना है। क्या देखना है? डिस्टेंस देखना है। ठीक है समझ लो मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख लू आपको कोई प्रॉब्लम है? डिस्टेंस तो आपको मेजर टेप से आंखों से दिखेगा वो तो पता चल जाएगा। सबसे पहले तीसरा इंडिकेट कंडीशन की बात करते हैं। एनी ग्रुप ऑफ अलाइन इंडिकेशन बहुत सारे इंडिकेशन एक लाइन में आए हैं और वो इंडिकेशन भले ही वो एक्सेप्ट है लेकिन एक लाइन में चार या चार से ज्यादा इंडिकेशन आया है तो रूल्स नंबर कौन सा फॉलो करना है? तीन। रूल्स नंबर कौन सा फॉलो करना है? तीन। और तीन नंबर का रूल्स ऐसा बोलता है कि सभी इंडिकेशन का क्या करना है? समेशन करना है। क्या करना है? मतलब प्लस 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 उसको क्या बोलते हैं? एडिंग करना है। तो तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस छह प्लस तीन प्लस चार इज इक्वल टू 25। मटेरियल थिकनेस देखना है। बच गया साहब। अगर उसका समेशन 28 आता तो आगे बढ़ता ही नहीं था। यहाँ पे क्या देना था? रिजेक्ट करके आगे निकल जाना, दूसरा प्रिंट देखना था। लेकिन अभी इसका समेशन कितना आया? 20। 25। इसका समेशन कितना आया? मटेरियल थिकनेस कितना है? 26। लग पाई चार 26 था। 24 आता तो रिजेक्ट हो जाता लेकिन 26 है तो और आगे बढ़ना। इसमें सबसे लंबा इंडिकेशन कौन है? ये चार नंबर का इंडिकेशन है। 6 है तो 6 × L जहां L है सबसे बड़ा। देखो बड़े की बात करते तो कुछ लोग दूसरा ही कुछ सोचने लगते हैं। भाई उसकी बात नहीं चल रही है अमेरिकन वाला। देखो 6L इसमें ये 6 फिक्स ही है, ये 6 फिक्स है लेकिन L जो है वो सबसे लंबा इंडिकेशन। तो 6 × L कितना हो गया? 6। और ये 6 कौन सबसे लंबा? छाया 36 mm। अगर दो इंडिकेशन के बीच में गैप 36 mm से कम है तो रिजेक्ट। 36 mm से ज्यादा है तो एक्सेप्ट। मैं समझाता हूं प्रैक्टिकली। कोई एक अलग से कलर लेके ये कलर लेके ठीक है। सबसे पहला इंडिकेशन कोई 6 लोग आ जाओ यहां पे 6 लोग आ जाओ 6 यहां पे खड़े रह जाओ 6 के 6 वरना ठीक है चलो ऐसे ही समझा दो। क्या ऐसे ही समझा? समझ लो 6 इंडिकेशन आया है। पहला इंडिकेशन खड़ा है कितना दूर है भाई तू? 36 से ज्यादा रहने का कितने बोल बड़ा तुम बोल तीसी है तो तू तो चला डूबा लेकिन मेरे को भी क्या किया लेके डूबा तो ये इंडिकेशन क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया? अभी दूसरा इंडिकेशन, दूसरा इंडिकेशन है ना ये दूसरा इंडिकेशन 30 mm दूर 32 mm दूर थोड़ा तो ज्यादा रहता 36 से थोड़ा तो ज्यादा रहता तो मैं बच जाता लेकिन ये जो है इंडिकेशन उसके बगल में है। एक नंबर का इंडिकेशन कितना दूर है? कितना होना चाहिए था? 36 से ज्यादा होगा तब बच सकता था लेकिन ये 36 से कम है तो ये भाई साहब भी क्या हो गए? एक नंबर को किसने डुबाया? दो ने। और दो को किसने डुबाया? एक ने। और तीन ने भी, ये तीन ने भी डुबाया ना। अभी तीन नंबर की बात करते हैं। 32 mm दूर है भाई तू 40 mm बच गया तुम्हारी वजह से। मैं यार तू मेरे को लेके डूबा, बगल वाले ने तो बगल वाले की वजह से तो मैं बच गया था लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे को डूबना पड़ा। तो ये तीन नंबर को कौन डुबाया? दो नंबर। तो ये कहा हो गए? चार नंबर।
40 एमएम दूर है तू भाई। हां 42 एमएम अब हम बच गए, तो ये बच गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया ये बच गया। ओके पांच नंबर बच गया तुम्हारे। अरे बीच थोड़ा थोड़ा तो ज्यादा रहता, 36 थोड़ा दूर रहता, लेकिन ये भी क्या हो गया? इसको पांच नंबर को किसने डुबाया? छह नंबर ने डुबाया। और यहाँ पे छह नंबर छठा डिस्कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, छह नंबर का इसको किसने डुबाया? पांच नंबर ने। समझ में आया? देखा आपने, सबसे बड़ा इंडिकेशन बी बच गया, देखा आपने। और इससे भी छोटे छोटे 3 mm 4 mm 5 mm वाले सब बच गए, लेकिन 6 mm वाला बच गया। देखा आपने, बात समझे कि नहीं समझे? पानी की तरह साफ है। ये तीसरा इंडिकेशन, तीसरा रूल, तीसरा कंडीशन थोड़ा टफ है। चार या चार से ज्यादा इंडिकेशन एक लाइन में होगा तो सभी इंडिकेशन का क्या करना है? समेशन करना है। मटेरियल थिकनेस से ज्यादा चला गया तो रिजेक्ट करना है, मटेरियल थिकनेस से कम हो गया तो और उसको एक रूल्स डालना है 6L का। क्या रूल्स डालना है? 6L, जिसमें L जो है सबसे बड़ा इंडिकेशन लेना है। तो 6L यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? 6। तो छाए छाए ना, तो 36 से कम डिस्टेंस है तो रिजेक्ट, 36 से ज्यादा डिस्टेंस है तो एक्सेप्ट। पानी की तरह, पानी की तरह। ओके अपने पार्टनर से डिस्कस करो, थोड़ी देर रोको, अपने पार्टनर से डिस्कस करो और ये बात क्लियर करो। ओके कोई डाउट है क्या? यस सर। क्या डाउट है पहले बोलिए। सर इसमें जो हम लेंगे 6 है तो सर वो एल जो होगा हमारा सबसे बड़ा इंडिकेशन होगा या फिर कोई सा इंडिकेशन ले सकते हैं? ओ भाई साहब, ओ चाचा बिहार से का समझा रहा हूं। अरे छोड़ दो अभी हम है ना। ओके क्या डाउट है? सर जो हम 6 है लेंगे हाँ। सर जो इंडिकेशन होगा हमारा सर वो बड़ा होगा या मतलब कोई भी इंडिकेशन ले इसमें जो एल है सबसे बड़ा लेना है इसमें से। सबसे बड़ा कौन है? अगर 6 की जगह 5 होता तो 5 बड़ा बन जाता। समझ आया ना सर? दोनों 5 है, किसको? अरे कोई भी लोग यहाँ पे तो गुणाकार भी करना है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो एल सबसे बड़ा लेना है। पहला डाउट क्लियर। दूसरा डाउट, क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह भाई। कहाँ से है आप? यूपी से। क्या डाउट है बोलो। ओ भाई 150 लोग हैं आप, अगर एक एक बंदा चीची चीची करेगा ना तो बहुत बड़ा आवाज होगा। हाँ बोलो। दूरी अगर कम हो जाए, अगर जो 6 है स्लैब इसकी दूरी अगर कम हो जाए और 36 से नीचे हो जाए और एक और फ्लैग आ जाए जो लाइन से बाहर हो वो कैसे लेंगे? मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे कोई कांड हो जाए ऐसा? ओके और ये एक लाइन में तो है नहीं, एक लाइन में तो है नहीं, तो इसका कहानी, इसका कहानी कौन लिखेगा? ये लोग लिखेंगे। समझ में आया? और इससे डिस्टेंस कम है तो 30 से 36 से कम है, लेकिन हमें इससे 36 से डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो कहानी कहाँ चले जाना है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? ओके और कोई डाउट बोलो। चौथे नंबर का पहला डिस्टेंस है चौथा। यहाँ पे 40 की जगह 10 mm हो, यहाँ पे एल 10 mm हो ऐसा तो फिर यहाँ 6L × 10 हो जाए। ओ भाई, ओ भाई उसको सुन, उसको बोलने दो। हाँ दूसरा तीसरा के बीच तो 60 mm गैप हो और जो लेंथ है वो यहाँ पे 60 mm गैप हो ऐसा और लेंथ 10 हो जाए ऐसा। ओके पहले तो लेंथ 10 हो गया तो आपको 36 होगा ही नहीं क्योंकि 6 × 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 mm। 60 mm से कम है तो रिजेक्ट, 60 mm से ज्यादा है तो एक्सेप्ट, तो सभी लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों?
सभी लोग 60 एमएम से क्या हो गए, कम हो गए, तो यहाँ पे दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन सार कंटिन्यू यहाँ पे 30 30 30 ऐसा 30 यहाँ पे भी 30, तो ये देखो कितना चाहिए, अभी 36 से कम है तो ये 30 आया, ये 36 से कम है तो ये भी भाई साहब क्या हो जाएंगे, ये जो हाँ एग्जैक्ट 36 रहेगा तो इसको बोलते हैं डाउट। देखो यहाँ क्या लिखा, एग्रीगेट में ग्रेटर देन, आपने ये भी नहीं डाउट पूछा सर एग्जैक्ट 26 एमएम दोनों का आता तो, आपने ये भी डाउट नहीं पूछा, सबका समीशन किया एग्जैक्ट 26 आया तो यहाँ पे क्या लिखा है ग्रेटर देन टी, अगर ग्रेटर देन टी हुआ तो ही एक्सेप्ट, रिजेक्ट एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट। हाँ भैया फिर से सबका समेशन किया, सबका समेशन मटेरियल थिकनेस से अगर ज्यादा हुआ तो भी जेड, एक्सेप्ट इक्वल आया तो भी आपको कहां जाना है सिक्स सेल में, बात समझाया कि नहीं समझे, सबका समीशन किया 25 की जगह 26 आया, समझ लो यहाँ पे कोई एक चार की जगह यहाँ पे क्या है 5 है, तो एग्जैक्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की जगह यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा 26, तो ये 26 हो तो भी आपको कहाँ जाना है 6 एल जाना है, ग्रेटर देन टी, समझ में आया ग्रेटर देन लिखा, ओके चलिए ये बात हो गया। ओके अभी डाउट यहाँ पे ये नहीं था, डाउट दूसरा था, डाउट ये था कि सर सिक्स सेल एग्जैक्ट 36 आया और यहाँ पे एग्जैक्ट 36 36 का ही नंबर लगा है तो एग्जैक्ट 36 है तो यहाँ पे क्या लिखा है एक्सेप्ट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव इंटरप्रिटेशन एक्सीड सिक्स सेल, मतलब एग्जैक्ट 36 होगा तो भी रिजेक्ट होगा, एक्सीड मतलब 36 से ज्यादा होना चाहिए, तो सॉरी 36 से कम होना चाहिए, उससे एक्सीड होगा तो एक्सेप्ट होगा, एक्सीड एग्जैक्ट होगा तो भी क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। ओके अभी हम आगे बढ़ते हैं, आपने देखा ये जितने भी इंडिकेशन है लीनियर इंडिकेशन आपने देखा, और लीनियर इंडिकेशन का रूल्स क्या है, एल बड़ा है 3 into W, W का मतलब वेट, ये लीनियर इंडिकेशन था, क्या था क्या था क्रैक आया तो लीनियर गया टेल लेने, राउंडेड गया भी टेल लेने, क्रैक मतलब क्रैक, लेको फ्यूजन मतलब लेको फ्यूजन, लेको पेनेट्रेशन मतलब उसको लेंथ विड्थ से कोई मतलब ही नहीं है, उसको देख के क्या करना है रिजेक्ट करना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये देखिए जितना भी इसमें डालेंगे ना सभी लोग क्या होंगे लीनियर इंडिकेशन होंगे, देखना है तो देख लो ये लीनियर इंडिकेशन है, बात समझे। अभी हम थोड़ा देखो, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मेरे को 5 लोग ऐसे मिलेंगे ना कि जिसको पता नहीं है 150 में से, तो मैं वहां पे रुक जाएगा। अभी तक 12 का 12 पेज एक ही बैच क्लियर कर पाई है, कौन जनवरी 5 जनवरी 2024 वाला, तो आप चाहते हैं कि 12 पेज क्लियर हो तो आपके ग्रुप लीडर है वो जवाबदार है, क्या है ग्रुप लीडर जवाबदार है। चलिए एक बार माफ करते हैं, अभी 0-0 कर देते हैं, ठीक है अभी क्या करते हैं 0-0, अभी से मुझे 5 आदमी मिला ना तो अब हम क्या करेंगे पहले मतलब वहां रुक जाएंगे, समझ में आया। चौथा कंडीशन पे जाते हैं, किसमें चौथा कंडीशन है राउंडेड इंडिकेशन, अभी तक क्या थे अगर राउंडेड इंडिकेशन है इन एक्सेस दैट द स्पेसिफाइड एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बिलो मैंडेटरी अपेंडिक्स 4, तो चौथा कंडीशन के लिए आप ये लोग ऐसा बोल रहे मैंडेटरी अपेंडिक्स 4 में जाओ, तो ये है भैया मैंडेटरी अपेंडिक्स 4, ये क्या है mandatory appendix 4 मतलब जो भी x y z ये क्लोज नंबर दूसरा क्लोज ऐसा बोल रहा है,
हमें तो मैंडेटरी अपेंडिक्स 4 खोला राउंडेड इंडिकेशन चार्ट एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड रेडियोग्राफी डिटरमाइन राउंडेड इंडिकेशन इनवियर ऐसा लिखा है ओके एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फेराइट ऑस्टेनिटिक एंड नॉन फेरस मटेरियल के लिए ठीक है राउंडेड इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि इंडिकेशन मैक्सिमम लेंथ 3 टाइम विड्थ और लेस देन द रेडियोग्राफी इज डिफाइंड राउंडेड इंडिकेशन ये इतना सारा नहीं समझना है तो ऐसा समझ लो एल छोटा है या इक्वल टू है 3 इनटू विड्थ तो इसको क्या बोलते हैं भैया राउंडेड इंडिकेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं राउंडेड इंडिकेशन अगर यहाँ से राउंडेड इंडिकेशन पता नहीं है तो मैं यहाँ से सुट्टा बॉटल खा रहेगा क्यों क्योंकि ये पीटीएमटी में हमने बहुत डेप्थ में पेलाई किया है राउंडेड इंडिकेशन क्या होता है लीनियर इंडिकेशन क्या होता है नहीं समझे ये हो गया राउंडेड इंडिकेशन क्या हो गया अब यहाँ पे देखो कहानी ट्विस्ट है दिस इंडिकेशन मेबी सर्कुलर भी हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जैसा राउंड होता है ना भाई राउंडेड ऐसा नहीं होता समझ में आया राउंडेड इंडिकेशन का मतलब राउंड है इसका मतलब राउंड नहीं होता इसमें ऐसा मेबी राउंडेड इंडिकेशन सर्कुलर भी हो सकता है इलिप्टिकल भी हो सकता है कॉनिकल भी हो सकता है इरेगुलर शेप भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है एंड मेबी हैविंग अ टेल ऐसा भी हो सकता है समझ में आया कि नहीं आया ऐसा भी इसको भी राउंडेड हो सकता है क्योंकि लेंथ छोटा है या इक्वल टू है 3 into width अगर ये कंडीशन फॉलो किया तो उसको क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे एक टोपी वाले भाई साहब हमारे दोनों टोपी वाले पूरा फोकस है मैं डिसाइड कर लिया 5 लोगों में से आप लोग शामिल ना हो जाओ तो नहीं है आप भी आपका तो एज कम है ना इसके लिए आपको जाने देंगे ठीक है और भी बहुत सारी ऐसी नजरें हैं जिसको समझ में नहीं आया है तो बीच में मेरे को रोक देने का वरना आप 5 लोग आ गए तो मैं वहां पे क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा समझ में आया ओके राउंडेड इंडिकेशन का बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमने बोल दिया वो ओके व्हेन द एक्स इवैल्यूएटिंग द साइज ऑफ द इंडिकेशन द टेल शैल बी इंक्लूडेड तो ऐसा होता है ना तो इसको क्या करने का एज को भी इंक्लूड करने का ऐसा ना सर यहां से तक कितने वो ऐसा इतना गिनने तो ऐसा नहीं होता ये पूरा गिनना है क्या करना है पूरा गिनना है इंडिकेशन में भी फ्रॉम एनी इंपरफेक्शन इन वेयर सच एज पोरोसिटी भी राउंडेड हो सकता है इंक्लूजन भी राउंडेड हो सकता है कांस्टेंट इंक्लूजन भी राउंडेड हो सकता है ओपन इंक्लूजन भी राउंडेड हो सकता है ठीक है अलाइन इंडिकेशन ये आप बोल रहे थे ना मैं बोल रहा था ना सीक्वेंस ऑफ फोर और मोर राउंडेड इंडिकेशन शैल बी कंसीडर्ड एज अ अलाइन इंडिकेशन ये तो राउंडेड अगर उसमें भी बोलेंगे तो फोर और मोर लीनियर इंडिकेशन इज कंसीडर्ड एज अ अलाइन लीनियर इंडिकेशन ऐसा बोल सकते हैं समझ में आया कि नहीं आया तो ये 4 और 4 से ज्यादा का मतलब समझ में आया ये तो थिकनेस मतलब बेड मैटर का थिकनेस है ये समझ में आया अब ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में जाएंगे ठीक है कहानी 4 नंबर का अभी स्टार्ट होता है अभी क्या होता है कहानी स्टार्ट होता है ये पहले वाला मैं जल्दी जल्दी इसके लिए समझाया क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत बार रेल चुका हूं ये बात है अब यहां पे सबसे पहला ए इमेज डेंसिटी अगर एक्सरे है तो 1.82 गामा है तो 2 से 4 डेंसिटी विथ इन द इमेज ऑफ द इंडिकेशन में वेरी एंड नॉट अ क्राइटेरिया एक्सेप्ट और रिजेक्ट डेंसिटी समझ लो 1.7 है इसका मतलब जॉइंट रिजेक्ट है जॉइंट रिजेक्ट है ये फिल्म में रिजेक्ट है बाकी जॉइंट रिजेक्ट फिल्म को क्या बोलते हैं रीशूट क्या बोलेंगे या तो रीटेक क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे तो डेंसिटी की वजह से आपका जॉइंट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट होगा वो रीजन आएगा सर हमको है ना 4.5 डेंसिटी मिला सर इसके लिए जॉइंट काट दो ऐसा डेंसिटी की वजह से आपका फिल्म एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट होगा नहीं
ज्वाइंट एक्सेप्ट रिजेक्ट होगा नहीं, वो तो फिल्म रीशूट एंड रिटेक होगा। बात समझ में आया? उसने शायद केमिकल अच्छे से नहीं यूज किया होगा, या तो डेवलपर प्रॉपर नहीं होगा, हाइड्रोक्विनोन प्रॉपर नहीं होगा, या तो फिल्म चाइना वाला यूज किया होगा, या तो एक्सपोज हो गया होगा, या तो एसिटेट बेस जो है वो कांड हो गया होगा, मतलब बहुत सारे इसमें रिश्ते हैं, डिस्टेंस प्रॉपर नहीं रखा होगा, बहुत सारे रीजन है, उसकी वजह से जॉइंट को रिजेक्ट कर देना नहीं है, ये पहला। दूसरा रिलेवेंट इंडिकेशन जो है वो पहले देख लेते हैं। ओके, नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन का भी मैंने बात किया था, आपको याद है? नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन मतलब उसको खाली गिनना ही है, लेंथ और विड्थ वो सब चीज करने की जरूरत नहीं है, उसको खाली गिन लेना। हाँ भाई, मतलब क्या बोला था? दूध बात, लिंबू टिंबू ऐसा बोल सकते हैं, दूध बात। तो कौन कौन दूध बात है वो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि राउंडेड इंडिकेशन में बहुत छोटे 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 डॉट्स आएंगे, तो किसको गिने और किसको ना गिने पहले तो ये पता होना चाहिए, बाद में एक्सेप्ट रिजेक्ट में जाएंगे हम। बात समझे? देखो हमने कुछ नहीं किया है, क्रैक देखो, फ्यूजन देखो, पेनिट्रेशन देख के बड़ी मार करेंगे ना, काटा उड़ा देना। दूसरा, अगर एलोंगेटेड अलाइन एलोंगेटेड इंडिकेशन है तो अप टू 19 mm तक 6 mm तक एक्सेप्ट करो, 19 से 57 डी बाई 3 तक एक्सेप्ट करो, और 57 से अबव है तो 19 mm तक। जो तीसरा क्राइटेरिया था एलोंगेटेड अलाइन इंडिकेशन, चार या चार से ज्यादा इंडिकेशन एक लाइन में है तो सबका समेशन करो, मटेरियल थिकनेस से ज्यादा गया तो रिजेक्ट करो, मटेरियल थिकनेस से कम गया तो 6L करो, 6L में जो L किसको लेना है वो चार इंडिकेशन में सबसे बड़ा है, 4, 5, 6 जितने भी इंडिकेशन सबसे बड़ा है वो लो, वो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है उससे कम आना अगर आया तो रिजेक्ट, ज्यादा आया तो एक्सेप्ट, और एक साइड से कम आया, एक साइड से ज्यादा आया तो भी रिजेक्ट। दोनों साइड से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वो बचेगा, वरना कोई ना कोई उसको लेके डूबे। ऐसा होता है ना, ये है ना, डूब रहा था उसको बचाने के लिए गया तो वो भी डूब गया, तो ऐसा यहाँ पे होगा। चौथा कंडीशन है राउंडेड इंडिकेशन का, कौन सा? राउंडेड इंडिकेशन, एल छोटा या इक्वल टू है 3 × width से, उसको क्या बोलेंगे? राउंडेड इंडिकेशन बोलेंगे। राउंडेड इंडिकेशन का कोई शेप होगा? कोई भी शेप में आ सकता है, ये बात क्लियर? कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा था राउंडेड मतलब ऐसा राउंड होता है ना, उसको राउंडेड बोलते हैं, गाली फेंकेगा भी ऐसा सोचा था। ओके, आगे बढ़ते हैं, अभी दूध बात गिन ले। अगर मटेरियल का थिकनेस अप टू 3 mm है, कितना है? तो टी बाय 10 तक का जो है उसको दूध बात गिन ले। अगर मटेरियल का थिकनेस 3 से 6 mm है तो 0.38 से छोटा है उसको दूध बात गिनना है, अगर 6 से 50 है तो 0.79 mm से छोटा है तो दूध बात गिनना है, 50 mm से अबव है तो 1.60 से छोटा है तो दूध बात गिनना है। दूध बात मतलब नॉन रिलेवेंट, क्या मतलब? कुछ लोग यूट्यूब में कमेंट मारेंगे, ये तो होल्ड कर ले रो है, ऐसा दूध बात ऐसी बातें करता है। अब भाई तुमको समझना है तो ठीक है ना, बाकी यहाँ ऑफलाइन आ जाओ, पता चल जाएगा किसमें कितना है दम। समझ में आया? यहाँ पे कोई पैसा लिया जाता नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होता है, उसमें 150 लोग 200 लोग भी आएंगे, रहने का A to Z फ्री है, 999 का रजिस्ट्रेशन चार्ज है, रहना फ्री है, ट्रेनिंग फ्री है, एंड जॉब प्लेसमेंट फॉर फ्रेशर के लिए 100% एश्योरिटी के साथ है। बात समझ में आया? हाँ, एज 20 साल से ज्यादा होना चाहिए, कितना? ओके, आगे बढ़ते हैं। यार ये सब विचार याद रखने का, तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चार्ट में बनाया हूँ, मतलब ये ऑलरेडी एसएमई में दिया है, ठीक है, ये चार्ट में याद रखना है, तो इसमें भी याद कुछ नहीं, आपका जहां पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उसमें चिपका दे देगा, ठीक है। अभी देखो अप टू 3 mm मटेरियल का थिकनेस तो क्या हो गया? पी बाई 3। 3 से 6 mm मटेरियल का थिकनेस तो 0.38 से छोटा, 8 से 50 mm थिकनेस 0.79, और 50 mm से बड़ा मतलब वो सब लोगों को दूध पत गिनना है। क्या गिनना है? दूध पत मतलब लेम्बू टीमू, लेम्बू टीमू मतलब नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन। कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा?
यार हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें पहले एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का होगा, सीखाओ ना बाकी सब यार तेल लेने। तो अभी अभी तेल लेने नहीं जाना है, अभी ये सीख लेते हैं। अभी एक्सेप्ट रिजेक्ट का रूल्स अभी स्टार्ट हुआ, देखा जाएगा। देखिए द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एनी इंडिकेशन, कोई भी इंडिकेशन का साइज T by 4, मतलब 1 by 4 into T, T by 4 और 4 mm, उसमें से जो छोटा होगा वो ले लेना, उतने तो एक्सेप्ट, बाकी का रिजेक्ट। एग्जांपल देता हूं पता चल जावे। देखो मेरा कोई मटेरियल थिकनेस है, क्या है ये मटेरियल है, समझ लो ऐसे करके वेल्डिंग मारा और कोई काले धब्बे ऐसा टैंग 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 ऐसा आया, नीचे क्या है आरटी फिल्म है, मटेरियल का थिकनेस है 18 एमएम, कितना है यहाँ पे ऐसा कुछ कांड मिला, जो भी है कोई कांड मिला, ठीक है। तो ये जो है उसका आपको लेंथ देखना है, क्या देखना है समझ लो अगर ये एक नंबर, मतलब ये सबका लेंथ में अगर सबका सेम आ रहा है, लेंथ आ रहा है 3 mm, कितना है 3 mm, समझ लो। तो मटेरियल का थिकनेस कितना है 18, तो 18 by 4 करना है, कितना करना है 1/4 × 18 कितना हुआ 4.5 हुआ ना, और यहाँ पे और का और 4 mm, तो दोनों में से 4 mm, मतलब ये 4.5 छोटा है कि 4 mm छोटा है, 4 mm, तो 4 mm तक एक्सेप्ट करना है, 4 mm से ऊपर है तो रिजेक्ट करना, कितना है एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे कोई थिकनेस का लोचा लापसी नहीं है, एकदम पानी की तरह साफ है, कोई भी मटेरियल थिकनेस हो आपको क्या करना है टी बाय फोर या फोर विच एवर इज लेस। अभी मटेरियल का थिकनेस 16 mm में दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ समझ लो, मटेरियल का थिकनेस 16 mm है, क्या है 16 mm है, नीचे आरटी फिल्म है, कोई कांड पकड़ा समझो, उसका लेंथ है 5 mm, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है मैं समझाता हूं, देखिए 16 mm मतलब 1/4 × 16, तो ये 4 mm हुआ और 4 mm, चार में से चार कौन छोटा, तो दोनों सेम ही है, तो देखा जाए तो 4 ही है, तो 4 mm तक एक्सेप्ट, 4 mm से बड़ा रिजेक्ट, कितना mm? अगर राउंडेड इंडिकेशन है तो हाँ ये ध्यान रखने का, ये राउंडेड की ही बात चल रही है, तो विड्थ भी देखना है, विड्थ इसका समझ लो 2 mm होगा तब जाके राउंडेड बनेगा ना, तो ये क्या हो गया राउंडेड इंडिकेशन। राउंडेड इंडिकेशन में कितना है 16 × 4 चार में चार, तो ये कितना हो गया 4 mm तक एक्सेप्ट, तो कितना आया 5 mm, तो ये क्या हो गया रिजेक्ट हो गया, समझ में आया। कुछ लोग ऊपर से जाना स्टार्ट हो गया है, देखो कुछ नहीं करना, ऊपर का 3 कंडीशन समझ लिया ना, इसमें खाली एक ही कंडीशन है राउंडेड वाला, कितना मस्त इंडिकेशन है, कोई थिकनेस से मतलब ही नहीं है, टी बाय फोर करो और 4 जिसमें से छोटा। ओके मटेरियल का थिकनेस है 20 mm देते चलो, ठीक है इंडिकेशन आया समझ लो 4 mm आया, ये रिजेक्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा, क्यों एक्सेप्ट होगा देखो 20/4 तो ये 5 हुआ, 5 और 4 दोनों से छोटा कौन है, ये रूल्स ही फॉलो करना है आपको, ये डेंजर रूल्स, तो कितना होगा 4, 4 एमएम तक क्या है एक्सेप्ट है, 4 से अबव जाएगा तो रिजेक्ट है। यहाँ पे 20 की जगह अगर मैं 24 रखू तो कितना mm आएगा, यहाँ पे 16 रखू तो कमेंट बॉक्स में मारिएगा, सोके 16
आपने देखा 16 mm से बड़ा कोई भी होगा ना, तो 16 / 21, 17 / 4, 21 / 4, 18 / 4, 20 / 4, 50 / 4, 100 / 4 कोई भी करो तो भी चार ही आने वाला, क्योंकि जितना डिवाइड बाय चार करोगे और फोर नीचे और इसलिए तो सब 16 एमएम से अबव का जो भी मटेरियल थिकनेस होगा उसमें क्या होगा, इसका मतलब पोरोसिटी 16 एमएम से अबव मटेरियल में 4 एमएम तक एक्सेप्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? कितना सीधा है, खाली एक ही चीज याद रखना, टी वाई भोर वार बार वे चौरे छोटा। अगर 16 mm से छोटा कोई मटेरियल थिकनेस है तब जाके आपको टी बाई फोर वाला छोटा होगा। सो पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? 50 mm थिकनेस है, 4 mm का पोरोसिटी एक्स है। नहीं समझे? अपने पार्टनर से डिस्कस स्टार्ट करो। तो अभी देखिए सिंपल बात है राउंडेड इंडिकेशन का कि भाई टी बाय 4 और 4 mm इसमें से जो छोटा है वो लेना है, उतने तक एक्सेप्ट है, उससे बड़ा है तो रिजेक्ट है। समझ में आ गया? कोई डाउट? आपको डाउट? बोलिए क्या डाउट है? जो भी वेल्डिंग मारा होगा ठीक है, अब यहाँ पे कोई कांड आया, यहाँ पे वो कांड आया, अभी उसकी लेंथ जो है वो 4 mm आई, समझ लो ठीक है, 4 अच्छे से लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये 4 mm आई। तो हमें उससे हमें पहले कितना मटेरियल थिकनेस कितना है, तो यहाँ पे 1/4 × 12 = 3 mm आया। ये और का निशानी है, यहाँ पे और ये 4 mm, नीचे और ये छोटा, दोनों में से छोटा कौन है? 3 mm, तो 3 mm, तो अभी हमारा रूल्स कितना बन गया, 3 mm तक एक्सेप्ट, 3 mm से बड़ा पोरोसिटी कितना आया है, क्या हो गया, पानी की तरह, पानी की तरह। समझ आ गया? आगे बढ़ते अभी देखिए कंफ्यूजन स्टार्ट करते हैं। कंफ्यूजन? हाँ बोलो। 50 mm का तो हमें क्या टेंशन है, हम लगा देते हैं यहाँ पे 50 mm का, कितना लगा देते हैं, ये जो थिकनेस है वो कितना mm लगा देते हैं, दिया नीचे आर्टिफिशियल चिपका दिया, हो गया कुछ कांड आया, कुछ कांड यहाँ है और वो राउंडेड इंडिकेशन है, वो जो भी प्रॉब्लम है वो क्या है, राउंडेड इंडिकेशन है। तो हमें क्या करना है, 1/4 × 50 कितना आएगा, 12 × 24 = 12.5 और का और 4 mm, दोनों में से छोटा कौन है, तो हमारा रूल्स क्या आ गया, सिंपल, अगर ये 3 mm है तो बच जाएगा, 5 mm है तो हो जाएगा, हमें कोई टेंशन है ही नहीं, एक ही रूल्स है, T/4 और 4। हाँ क्या डाउट है, टोपी वाले भाई साहब अपना कागज है, क्या चार चार mm थिकनेस यहाँ पे, चलिए अभी हम चार फेल देते हैं, हमें क्या है, लो चार mm तो एक्सेप्ट हो गया, बच गया, क्या हुआ, ओ भाई ओ भाई, क्या नाम है आपका, अब्दुल भाई, आपका नाम अब्दुल है तो थोड़ा शांत हो जाओ, हाँ अब्दुल भाई बोलिए, अरे वो सब छोड़ो ना, अभी वहां पहुंचे ही नहीं है,
अभी मैं ट्विस्ट करना स्टार्ट करूं, मैंने आपको यहां तक समझाया, यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां से लेके मैंने कहां तक समझाया? यहां तक। अभी आगे बढ़े, अभी इसमें ट्विस्ट है। ये सब चीज तो ठीक है, आपका आपने बोला कोई भी मटेरियल का थिकनेस इनमें से दो का छोटा, राइट। लेकिन अगर आइसोलेटेड इंडिकेशन है तो पहले तो हमें ये देखना आइसोलेटेड किसको बोलते हैं। आइसोलेटेड मतलब समझ लो मैं फिल्म हूं, मैं लंबा फिल्म हूं, 25-25 कोस दूर गांव में कोई भी नहीं है, मतलब 25 mm दूर कोई नहीं है, इस साइड भी 25 mm दूर कोई नहीं है, तो हम जो राउंडेड इंडिकेशन है हमको क्या बोला जाए? आइसोलेटेड राउंडेड इंडिकेशन। कौन सा? नहीं समझ में आ रहा है तो हम दिखाते हैं यहाँ पे, देखो ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन के 25 mm दूर कोई भी है नहीं, और ये इंडिकेशन के 25 mm दूर कोई भी है, तो ये बंदे को वन मैन आर्मी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और इसको आइसोलेटेड इंडिकेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? देखो सिंपल है, आइसोलेटेड इंडिकेशन का मतलब ये हुआ 25 mm दूर कोई भी नहीं है, 25 mm दूर भी कोई नहीं है, ना तो रिलेवेंट इंडिकेशन ना तो राउंडेड इंडिकेशन, दोनों में से कोई भी कुछ नहीं है। 50 को दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो सो जा बैठे, सो जा उठाए लोग, है ना, यहाँ पे 50 की जगह कितना कोस दूर? 25 mm दूर कोस में कोई भी नहीं है, तो वही जो वन मैन आर्मी है, और वन मैन का मतलब आइसोलेटेड, समझ लो ऐसा आइसोलेटेड इंडिकेशन है। तो थोड़ा आपको छूट छाट ये समझ देता है, भाई देखो 50 mm दूर है तब अभी वो वाइब्रेशन करके इतना तो फटेगा नहीं, तो आपको 1/4 × t या 4 mm नीचे लेस करते थे, उसकी जगह आपको क्या करना है? 1/3 × t और 6 mm। थोड़ा आपको दायरा बढ़ा, थोड़ा बड़ा भी इंडिकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा, सबको पेलना नहीं है, थोड़ा भाई छूट छाट थोड़ा जाने दो, क्योंकि उसके अगल बगल में 25-25 कोस कुर कुछ है नहीं, समझ में आया? एक एग्जांपल दे, देखा ये नहीं समझ में आ रहा? देखिए अभी हम देते हैं टाइम, समझ रहे? फिल्म ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो अभी ये जो मैं समझाएगा ना इसमें शायद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ है, समझ लो। अभी देखो यहां से ये जो इंडिकेशन है कितना mm दूर है, यहां से ये इंडिकेशन है 28, मतलब ये जो बंदा हो गया वो क्या हो गया? आइसोलेटेड हो गया, क्या हो गया? आइसोलेटेड हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? अभी हम ये सब चीज करते हैं नहीं है, अभी देखो ये तीन इंडिकेशन आए, मैं लेंथ वेट लिख लूं, खाली लेंथ वेट लिख लूं, खाली लेंथ ही लिखूं, ये जो है वो हम करते हैं 5 mm, कितना 5 mm वेट जो है वो 2 mm, तो ये राउंडेड इंडिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? इसका भी ऐसा ही कोई लेंथ होगा, समझ लो ये 6 mm है, इसका वेट 2 mm है, ठीक है, ये राउंडेड हुआ कि लीनियर हुआ? ये राउंडेड हुआ कि लीनियर हुआ? ये लेंथ है इसका, इसका 4 mm, चलो कोई बोल रहा है तो 4 mm, इसका वेट है 1 mm, 1.5 mm, समझ लो ये कौन सा हो गया? ये लीनियर हो गया, लीनियर हो गया है ना, राउंडेड हो गया, ठीक है, तो ये तीनों राउंडेड इंडिकेशन है कि नहीं है? मटेरियल का अभी हम थिकनेस दे रहे हैं आपको 16 mm, कितना है? 16 mm, मतलब फिल्म का नहीं है, देखा जाए तो ये मटेरियल थिकनेस क्या है? यहाँ लिखू मटेरियल थिकनेस 16 mm दे रहे, कितना दे रहे? 16 mm, 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 कितना दे रहे? 16 mm,
पानी की तरह क्लियर, तो एक्सेप्ट है कि नहीं है? देखिए हम करते हैं सिंपल रूल्स के हिसाब से ही चलते हैं, नया को रॉकेट झाड़ते हैं नहीं। देखो रूल्स है ये 1/4 × 16 = 4 mm और 4 mm मतलब सबसे छोटा कौन है 4 mm, तो यहाँ पे रूल्स क्या बना 4 mm तक एक्सेप्ट है, 4 mm तक एक्सेप्ट, 4 mm से बड़ा जाएगा तो रिजेक्ट है। कितना mm है इसका तो रूल याद हो गई, कितना है ये भी रिजेक्ट हो गया है कि नहीं, ये कितना है ये बन गया। ऐसा ही हुआ ना, रूल्स के हिसाब से हमने किया, हमने कुछ गलता कुछ किया तो मैं यहाँ ऊपर लिखूं रिजेक्ट, ये क्या हो गया है रिजेक्ट, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है एक्सेप्ट, ये तीनों का बात हमने लिख लिया, कोई कंफ्यूजन? लेकिन लेकिन आपको देखना आइसोलेटेड है क्या, तो देखिए ये जो है, ये जो है समझ लो तीनों का, यहां से ये जो डिस्टेंस है वो 28 है, यहां से ये जो डिस्टेंस है वो 30 है, यहां से ये जो डिस्टेंस है वो 25 है, चलो ठीक है, और यहां से ये जो डिस्टेंस है वो 40 है, समझ लो, समझ लो, इसका नंबर दे दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ सांस कहां से ले और ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, तीन इंडिकेशन मिला रूल्स के हिसाब से, आपका तो यही रूल्स था ना, आपने तो उसको रेल दिया। लेकिन अगर आइसोलेटेड इंडिकेशन है, आइसोलेटेड इंडिकेशन का मतलब ये होता है 25 mm कोई नहीं है, 25 mm कोई नहीं है, तो ये बंदे को क्या बोलेंगे पहला इंडिकेशन आइसोलेटेड है कि नहीं है, 28 mm कुछ भी नहीं है, 30 mm भी कुछ भी नहीं है, तो ये आइसोलेटेड हुआ तो रूल्स ये लागू पड़ेगा नहीं, तो ये लागू पड़ेगा 1/3 × 16 कितना हो गया 5.33 और 6 mm विच एवर इज लेस, तो इसमें लेस कौन हुआ 5.3, तो कितने mm तक एक्सेप्ट है 5.33 मतलब 5 mm 5.33 तक एक्सेप्ट, उसके ऊपर का रिजेक्ट, तो इसकी बात करते हैं, ये क्या हो गया ये आइसोलेटेड, तो एक नंबर क्या हो गया रिजेक्ट, दो नंबर एक्सेप्ट हो गया, तीन नंबर एक्सेप्ट हो गया, अभी रूल्स ये लागू पड़ेगा, रूल्स ये लागू, अगर आइसोलेटेड, देखो तीनों आइसोलेटेड है ना देखा जाए तो रूल तो आपको देखा हमने एक बच गया, उसमें क्या था दो एक्सपायर हो गए मतलब रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन आइसोलेटेड अगर है तो आपको ये रूल्स फॉलो करना नहीं है, आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, कितना इजी है भाई, कितना इसमें क्या ट्विस्ट है, कितना इजी है, नहीं समझे, कोई कंफ्यूजन? ग्रुप लीडर को पकड़े कहां में गड़बड़ा है, ऊपर से जा रहा है, चलिए तो अब हम पकड़ते हैं इसको लपेटे में लेंगे आप खड़े हो जाओ, चलो व्हाइट शर्ट वाले यार हमको ही क्यों पकड़ते हैं ग्रुप लीडर कौन है इसके, खड़े हो जाओ, आपको कॉन्फिडेंस है इसको पता है, लिख के समझा दोगे ऐसा बोलो, ठीक है तो बैठ जाओ, ठीक है बैठ जाओ बैठो, टोपी वाले भाई साहब चलो खड़े हो जाओ, ये नहीं अभी अभी टकलो है ना आपका, अरे वो नहीं है ये टकलो भाई साहब, हाँ देखिए अभी हम थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, मटेरियल का थिकनेस 16 नहीं दे रहे ठीक है, मटेरियल का थिकनेस 16 नहीं दे रहे, सब निकाल देते हैं, अभी हम ट्विस्ट करते हैं
मटेरियल का थिकनेस हम 12 दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 12, कितना दे रहे हैं 12 12 एमएम। चलो हमको करके दो, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है? 12 एमएम के हिसाब से हैं। देखो आइसोलेटेड है तो आपको यहाँ पे ही आना है, तो 1/3 इनटू 12 कितना होगा 4 और 6 छोटा कौन है 4 एक्स है, बाकी सब रिजेक्ट। तो ये सब क्या हो गए, खाली एक ही क्या होगा, समझ आ गया कि नहीं समझे, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, देखो वहां बैठ जाओ, यहां तक मैंने समझाया, कोई कंफ्यूजन? और थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अगर मटेरियल का थिकनेस 50 एमएम से ज्यादा है, मटेरियल का थिकनेस 50 एमएम से ज्यादा है और वो इंडिकेशन जो है वो आइसोलेटेड है, क्या है आइसोलेटेड, तो आपको कितने एमएम तक एक्सेप्ट कर लेना। अगर आइसोलेटेड नहीं है 3/4 और 4, समझ रहे हो एकदम सिंपल है भैया, लेकिन आप नहीं समझ पाए तो हम का घंटा करें। हाँ बोलो, अब इसमें आप बहुत सारा दिमाग लगा सकते हो। तो लीनियर का तो ऊपर का क्राइटेरिया है ना 1/3, उसमें फैलना है, और राउंडेड का इसमें फैलना है, छोड़ेंगे क्या किसी को भी बख्श जाएंगे? नहीं, समझ आ गया सर? एक पिल है ना उसमें 10-12 इंडिकेशन है, उसमें से 6 इंडिकेशन राउंडेड है, 4 इंडिकेशन जो है वो लेको फ्यूजन है और 2 इंडिकेशन वो स्लेग है, तो क्या करें? तो क्रैक वाले को रिजेक्ट करना पड़ेगा, दूसरे सबका अपना अपना क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, समझ आया? सबसे पहले क्या देखना है, लीनियर इंडिकेशन में लीनियर इंडिकेशन होगा वो चलेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले देख रहे क्रैक, ये तो फ्यूजन देख के क्या करना है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एलोंगेटेड इंडिकेशन होगा, एलोंगेटेड इंडिकेशन होगा तो मटेरियल का थिकनेस देखना है, 19 mm अप टू 19 mm थिकनेस है तो 6 mm तक, 19 से 57 है तो 3/3 तक, 57 से ज्यादा है तो 30 mm तक, ये बात क्लियर? ओके, इसके बाद तीसरा क्राइटेरिया आता है अलाइन इंडिकेशन आया, तो सभी इंडिकेशन का क्या करना है, समेशन करना है, और मटेरियल थिकनेस से अगर ज्यादा गया तो फेल करना है, रिजेक्ट कर देना है, मटेरियल थिकनेस से कम गया तो 6L में जाना है, जिसमें L क्या रहेगा सबसे बड़ा इंडिकेशन, उतने से कम डिस्टेंस रहा तो रिजेक्ट, ज्यादा डिस्टेंस 6L से हुआ तो एक्सेप्ट, ये हो गया। उसके बाद राउंडेड इंडिकेशन की बारी आएगी, किसकी आएगी, राउंडेड इंडिकेशन में 3/4 और 4 बीच ओवर स्मॉल, बस खत्म, लेकिन आइसोलेटेड होगा तो आपको थोड़ी छूट 4 मिलेगी, तो उसके लिए आपको क्या है 3/3 और 6 mm, लेकिन 50 एमएम से ज्यादा थिकनेस होगी और इंडिकेशन आइसोलेटेड होगा तो कितने एमएम तक एक्सेप्ट कर लो, वो राउंडेड की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, आगे बढ़े, राउंडेड और आइसोलेटेड, यहाँ पे ये आइसोलेटेड का बात है और ये भी आइसोलेटेड का बात है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी डी अलाइन राउंडेड इंडिकेशन होगा तो 4 या 4 से ज्यादा राउंडेड इंडिकेशन आए तो एक लाइन में आए तो सबका क्या करना है, समेशन करना है, नया कोई रॉकेट नहीं है कि पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लेगा
देखिए अलाइन राउंडेड इंडिकेशन एक्सेप्टेड व्हेन द समेशन ऑफ द डायमीटर इंडिकेशन इज लेस देन ग्रेटर देन 12 फिगर 4.1। तो हम लोग फिगर 4.1 निकालते हैं। यहां पे क्लियर लिखा है कि सब का क्या करना है, सम करना है, L1 से L1, L2, L3 जितने भी हो सबका सम करना है। वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे ज्यादा, जो हमने आगे रेला था ना, थिकनेस से ज्यादा नहीं। अगर थिकनेस से ज्यादा हो तो वहां पे ही कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई, समझा कि नहीं है ना, ऊपर से जा रहा है। अभी आप पागल हो जाएंगे आगे बढ़ेगा तो कि नहीं होंगे। ओके, ये सब डिस्टेंस किसकी बात चल रही है, 12 PT, समझ में आया। अभी ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा क्लस्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्लस्टर पोरोसिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो क्लस्टर पोरोसिटी का भी क्राइटेरिया अलग है। तो देखिए क्लस्टर इंडिकेशन बहुत मस्त क्राइटेरिया है इसका। देखो क्लस्टर इंडिकेशन फोर टाइम ऑफ मेनी इंडिकेशन इन लोकल एरिया, मतलब चार या चार से ज्यादा पोरोसिटी, मतलब राउंडेड इंडिकेशन एक जगह पे आया। याद है क्लस्टर पोरोसिटी मैंने दिखाया था आरटी का चैप्टर नंबर 18, याद है कि नहीं है। क्लस्टर पोरोसिटी ऐसे दिखता जून ग्रुप ऑफ पोरोसिटी का जून, तो ये जो क्लस्टर पोरोसिटी है वो 25 mm और 2T whichever is, समझा फिर से क्लस्टर पोरोसिटी इंडिकेशन इंडिकेशन द लेंथ ऑफ द एक्सेप्टर क्लस्टर शेल नॉट एक्सीड लेसर ऑफ, इससे छोटा 20 और 25 mm नीचे और इसको, तो ये आपको क्या करना है, ये मेजर करना है क्लस्टर पोरोसिटी कितना है। समझ लो 12 आया, कितना आया 12 आया, तो 12 आया 12 mm क्लस्टर पोरोसिटी है, कितना है 12 mm। तो मटेरियल का थिकनेस देखना है, इसका एग्जांपल लूं कि ना लूं, हैं चलो तब हम ले ही लेते हैं, आप बोल रहे हैं हम खेल देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे हैं ये खत्म कब होगा, हैं लोगों को भूख लगी है। अरे भाई जब हम शिष्य बीएस करते थे ना खाना भी खाते थे नहीं, लेकिन आप लोगों को क्या है, किसकी पड़ी है अभी खाने की पड़ी है। तो पढ़ो, ये क्लस्टर पोरोसिटी है, क्या है, और यहाँ पे लिख दू मटेरियल थिकनेस, समझ लो 18 mm है मटेरियल थिकनेस, कितना है 18 mm है। तो 18 × 2T करना 25 mm और 2 × 18 = 36, दोनों में से छोटा कौन है, तो कितना mm होगी हमारा क्राइटेरिया 25 का। अगर ये 25 mm से ज्यादा है, ये कितना से ज्यादा है, अगर 25 से ज्यादा है तो लीजिए 25 से कम है तो एक्सेप्ट, पानी की तरह क्या है, लेकिन मटेरियल का थिकनेस 18 की जगह 12 है सर, तब यहाँ पे 12 है तो 2T मतलब 2 × 12 मतलब 24 mm और 25, तो इसमें से छोटा कौन है, तो 24 mm से 24 mm तक क्लस्टर पोरोसिटी एक्स है, ये जितना कितने mm तक उससे बड़ा गया तो छोटा रहा तो, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो क्लस्टर पोरोसिटी का भी क्राइटेरिया क्लियर है, समझ में आया। अभी आगे बढ़ना है तो लंच के बाद हम देखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ, देखो ये सब चीज क्या होता है, यहाँ पे L1, L2, L3, L4 ये सब लिया है, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कैलकुलेट 3L से कम नहीं होना चाहिए, वो सब चीज किया हुआ है। तो यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद लंच के बाद अगेन यहाँ से आगे बढ़े। वैसे देखा जाए तो ये सब चीज याद रखना नहीं है, ये चार्ट आपके पास होगा, आपको जस्ट खाली क्या करना है,
पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। समझ में आया? ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यहाँ तक रखते हैं और लंच के बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।